हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th टुडे वी प्रोवाइड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। किस मैटर कुछ प्रॉपर्टी होते हैं और प्रॉपर्टीज में मेनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ये जो है किसी भी कंपाउंड्स होते हैं और उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हमको चेक करना होता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में लोग देखते हैं इसका स्टेट कि वो सॉलिड स्टेट है, गैस से लिक्विड से। तो कोई भी कंपाउंड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस फॉर्म हो सकता है। स्टेट चेक करेंगे, इसके बाद उसका स्मेल देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं। तो ये दीज प्रॉपर्टी आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के इंक्लूड में आते हैं। सेम ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन से जो न्यू रिजल्ट होता है, टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज, जो भी अपडेट होता है, दैट इंक्लूड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एवरी सब्सटेंस है यूनिक आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो जो प्रत्येक सब्सटेंस है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरीज। और ये प्रॉपर्टी टू कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी एक्सेट्रा। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंपोजिशन, कंबस्शन, रिएक्टिविटी, एसिड्स, बेसिस एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड आर ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी आर द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होते हैं, कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। द मेजरमेंट आर ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर ए केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है इसमें केमिकल चेंज होता है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर आर ए केमिकल चेंज। द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। दीज इंक्लूड एसिडिटी आर बेसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट्स एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमिन बाई केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटली इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ यहाँ पॉइंट देखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर हम कैसे करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्वांटिटी के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। मेनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम्स एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। डिस्टेंस जो है कि प्रॉपर्टी अगर फिजिकल में देखते हैं तो जो है नेम आया क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव है उसके अमाउंट है और क्वालिटी जो है उसे क्वालिटी बताता है, उसके नेचर बताता है। इन नेचर एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मेजरमेंट इज रिप्रेजेंट बाई ए नंबर फॉलो बाई यूनिट्स इन विच इट्स मेजर। तो यह क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है यह इसके लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ रूम कैन बी रिप्रेजेंट बाई 6 m, 6 m, हियर 6 इज द नंबर एंड m डिनोट मीटर। द यूनिट्स इन विच द लेंथ इज मेजर। अर्लीस्ट टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, पहले जो है मेजरमेंट के दो डिफरेंट सिस्टम थे।
दैट इज इंग्लिश सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम, वेयर बींग यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स. द मेट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेट्स इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी वॉज मोर कन्वीनियंस एज इट वॉज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम लेट नीड ऑफ ए कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज फील्ड बाई द साइंटिफिक कमिटी. सच ए सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश इन 1960 एंड इज डिस्कस इन डिटेल बिलो. दैट इज पॉइंट फर्स्ट, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे हम SI सिस्टम नाम देते हैं. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन फ्रेंच ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स एब्रीब्रेस SI वॉज इस्टेब्लिश बाई द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर CGPM फ्राम कॉन्फ्रेंस जनरल डी पॉइंट्स एट मीजर. द CGMP इज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाई ए डिप्लोमेटिक ट्रीटी नोन एज मेट्रिक कन्वेंशंस. द SI सिस्टम हैज बीन 7. स्टूडेंट जो SI सिस्टम यहाँ जो 7 दिया जा रहा है, द SI सिस्टम हैज बीन 7 बेस्ड यूनिट्स एंड दे आर लिस्टेड इन टेबल 1.1. दीज यूनिट्स परटेन टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज. द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड वॉल्यूम डेंसिट्रा. तो स्टूडेंट जो है 7 जो SI सिस्टम आ रहे हैं, 7 SI यूनिट्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो यहाँ टेबल में हम आपको दिखा रहे हैं, जो टेबल में यहाँ दिया गया है, इस टेबल में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लेंथ फिजिकल बेसिक क्वांटिटी, सेकेंड दिया है सिंबल फॉर क्वांटिटी नेम ऑफ SI यूनिट एंड सिंबल. जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है लेंथ, लेंथ का जो है सिंबल EL, SI यूनिट लेंथ का मीटर होता है, जिसको हम SI में EM से स्मॉल m शो करते हैं. मास, मास को जो का SI यूनिट जो है किलोग्राम है, जिसको SI में kg से डिनोट किया जाता है. टाइम, टाइम टाइम को जो है सेकेंड मेजर करते हैं और SI में ES से शो करते हैं. नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट है एम्पियर, A से शो करते हैं. नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन. स्टूडेंट जो है टेम्परेचर का आप यूनिट पढ़े होंगे केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस. तो इसमें जो केल्विन है दैट इज SI यूनिट है, और इसके अलावा हम लोग जो है कि सेल्सियस एंड फारेनहाइट भी चेक करते हैं, लेकिन केल्विन दैट इज SI यूनिट्स. अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल है, मोल शो करते हैं. और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो 7 आपको जो है फंडामेंटल SI यूनिट दिया गया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये यूनिट्स का इंपॉर्टेंस यह है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने जो है, मैंने अगर वर्ल्ड यहाँ 2 लिखते हैं तो इसका कोई मीन्स नहीं, अगर इसके साथ हम यहाँ kg लगा दें इसका मीन्स हो गया 2 kg. 2 kg कोई अमाउंट है. अगर आपसे कहा गया कोई वॉल्यूम्स 2, वॉल्यूम्स 2 कोई मीन्स नहीं है, लेकिन यहाँ अगर लिख दिया 2 L, 2 लीटर, ठीक, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा. तो इसी तरह से जो है
अगर आपको जो है कोई 2 मीटर कोई मीजर कराना है, ओनली 2 कहेंगे तो सर कोई मीन्स नहीं है, जब तक आप यहाँ यम ना लिखें 2 मीटर। तो इस तरह से यह यूनिट का बहुत इम्पोर्टेंस है, और यह यूनिट्स में ये देखा गया है कि अक्सर जो है स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और उनका नंबर जो है एग्ज़ाम में कट जाता है, और कंपटीशन में ये देखा गया है कि कभी कभी आंसर दिया रहता है, आंसर जैसे किसी का आंसर आया जो है 5.2 आया आंसर, और उसका आंसर 5.2 यम सही है, और वहाँ दे दिया 5.2 यस, 5.2 केजी, इस तरह से आंसर दे देता है। उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूनिट से ही मैंने आपके कंपटीशन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं, या बोर्ड में जब कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल के पर जो आंसर आया लास्ट में उसके साथ अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो हाँ आपके मार्क जो है डिडक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं हमारा पूरा सही है 100%, लेकिन वहाँ यूनिट पर सर्कल करके आपका नंबर काट लिया जाता है। इसलिए ये जो आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि ऑलरेडी आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, और यहाँ आपका आप कंपटीशन स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है इसको अच्छी तरह आप वॉच कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, और वैसे भी आप लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो स्टूडेंट्स समाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि डिफिनीशन ऑफ एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट का डिफिनीशंस यहाँ एक टेबल में आपको मिला है, 1.2 टेबल्स में आप देख सकते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ ये मीटर है, और मीटर को यहाँ डिफाइन किया गया है कि द मीटर द मीटर सिंबल यम इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। इसका एसआई यूनिट लेंथ का सिंबल यम है। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड नंबर वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू बी 2997924458 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड, where the second is defined in the term of the cesium frequency। तो सेम इसी तरह से आप यूनिट ऑफ मास देख सकते हैं किलोग्राम, ठीक। डिफिनीशन यहाँ आपको दिया गया है, तो स्टूडेंट्स इसके डिफिनीशन को जो डिफाइन किया गया है आप इसको जो है अच्छे तरह इसको पढ़ेंगे, पास करके रोक कर इसको पढ़ लेंगे। सेम ऐसे ही जो है यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, और जिसका डिफिनीशन आपको यहाँ दिया गया है इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर। एम्पियर का डिफिनीशन यहाँ दिया गया है, ऑलरेडी ये सब डिफिनीशन जो है आप लोग लोअर क्लास में ये सब डिफिनीशन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन डिफिनीशन। नेक्स्ट यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। यहाँ अवगाद्रो नंबर आपको दिया गया है 6.02214061023, तो अवगाद्रो नंबर भी आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूनिट ऑफ लुमिनेंस। यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला विथ डिफिनीशन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो है कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी विषय में बताया कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो है आपने देखा जो है यह 7 यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने सभी एसआई यूनिट का जो है डिफिनीशन ने शो किया, तो इसको आप अच्छे तरह नोट्स बना लेंगे और एक एक पॉइंट को चेक करेंगे। सो थैंक्स।